गाइस होगा आज आपको बता रहे हैं कचालू कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले कढ़ाई सरसों में सरसों का तेल डाल दिए, उसके बाद डालते हैं जीरा। जीरा का तड़का लगा रहे, देखिए इतना अच्छे से तड़का, जब तेल गर्म हो जाए तब डाला जाता ताकि जीरा तुरंत से पकना शुरू हो जाए। इसके बाद अब डालेंगे हम प्याज और हरा लहसुन। हरा लहसुन डालने के बाद अब इसको थोड़ा सा भुनेंगे, थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। उसके बाद धनिया का और धनिया लहसुन अदरक अदरक सभी का पेस्ट बना मिर्चा लेंगे। मिर्चा ये देखिए हमारा लहसुन धनिया मिर्चा अदरक का पेस्ट तैयार है। इसमें हम थोड़ा अपना गरम मसाला स्वाद डालेंगे, अनुसार गरम गरम मसाला, मसाला डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे और इसको डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। हम स्वाद अनुसार थोड़ा सा लाल लाल मिर्च मिर्च, पाउडर डालेंगे, इससे इसे टेक्सचर बढ़िया आएगा, अच्छा स्वाद बनेगा। ठीक, इतना अच्छा हो रहा तो वैसे तो देखो वो ले लेंगे, स्टैंड स्टैंड लगा के हमें लगा के हम बना लेंगे शुरू करो के। कचारू कैसे बनाए? अरे तो चल रहा यार। ये देखिए प्याज हल्का सुनहला कलर का हो गया, अब इसमें पेस्ट हम लोग डाल लें अपना। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला अच्छे से भुना गया सके। अब इसको चला दीजिए। अब इसको मैं देखिए पेस्ट बनाने के बाद अब इसमें हम लोग अपना हरा मटर डालेंगे। हरा मटर सीजन है तो अच्छा कचालू बनेगा, बहुत स्वादिष्ट बनेगा, क्योंकि ठंडी में मटर खाना, क्योंकि सीजन का फल है ये, खाया जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए हमारा ये मटर पक के तैयार हो गया है। अब इसमें हम नमक नमक, डालेंगे अपने स्वाद अनुसार, ताकि अच्छे से इसमें स्वाद आ जाए, मसाले में भी भून जाएगा, नमक अच्छा स्वाद आएगा। ये देखिए इसके बाद में आलू डाला जा रहा है, उबला उबला आलू। उसको छील लेंगे, ये आलू डालने के बाद उसको आलू को अच्छे से मसाला मिक्स करेंगे। ये देखिए अभी देखिए मिक्स करने के बाद अब थोड़ा सा इसको हम लोग ढक देंगे ताकि हल्का सा इसके पानी का, आलू के पानी का स्वाद खत्म हो जाए, अच्छा से इसमें मसाले का टेस्ट आ जाए। अब इसको हम लोग 5 मिनट पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब इसमें कटा हुआ बारीक धनिया डाल देंगे अच्छा स्वाद आने के लिए। ये देखिए कितना खूबसूरत कचालू हमारा बन के तैयार है। अब इसको गर्मा गर्म निकाल के सर्व करिए और अच्छे से स्वाद से लेके खाइए, चटकारा लगा लगा के।